वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है सावित्री बाई फूले को लेकर। देखते हैं इस वीडियो में। तो सावित्री बाई फूले जो थी, एक शिक्षिका थी। ये जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका एवं मराठी कवित्री थी। उन्होंने अपनी पति ज्योतिराव गोविंदराव फूले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। उन्हें आधुनिक मराठी कव का अग्रदूत माना जाता है। अगर बात करें देश की पहली महिला टीचर यानी कि सावित्रीबाई फूले की, तो इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा में। उनके पति ज्योतिराव फूले भी एक प्रसिद्ध चिंतक और लेखक थे। सावित्रीबाई का एक समाज सुधारक, शिक्षिका और कवित्री थी। अब बात करते हैं इनके जीवन परिचय की। तो सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले 3 जनवरी 1831 में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हुई 10 मार्च 1897। जिनको भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका एवं मराठी कवित्री के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव गोविंदराव फूले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। उन्हें आधुनिक मराठी कव का अग्रदूत माना जाता है। 1852 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। जन्म की तारीख अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 नाय गांव में। मृत्यु हुई थी इनकी 10 मार्च 1897 पुणे में। इनके पति का नाम था ज्योतिराव गोविंदराव फूले। इनका विवाह हुआ था 1840 में। माता पिता की अगर बात करें तो इनकी माता थी लक्ष्मीबाई और पिता थे खंदोजी नेवसे पाटिल। बच्चे की अगर बात करें तो इनके बच्चे का नाम था यशवंत फूले। अब इनके परिचय की बात करें तो सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ। इनके पिता का नाम खंदोजी नेपसे और माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई फूले का विवाह 1840 में ज्योतिराव फूले से हुआ था। सावित्रीबाई फूले भारत की पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी। महात्मा ज्योतिराव को महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है और उन्होंने महिलाओं और दलित जातियों को शिक्षित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। ज्योतिराव, जो बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए, सावित्रीबाई के संरक्षक, गुरु और समर्थक थे। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जिया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। वे एक कवित्री भी थीं। उन्हें मराठी की आदि कवित्री के रूप में भी जाना जाता था। अब बात करते हैं इनके लाइफ में कौन कौन सी वो सामाजिक मुश्किलें आईं। जब भी वे स्कूल जाती थीं तो विरोधी लोग उन पर पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी फेंक देते थे। आज से 171 साल पहले बालिकाओं के लिए जब स्कूल खोलना पाप का काम माना जाता था, तब ऐसा होता था। सावित्रीबाई पूरे देश की महानायिका हैं। हर बिरादरी और धर्म के लिए उन्होंने काम किया। जब सावित्रीबाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थीं तो रास्ते में उन पर लोग जो हैं गंदी गालियाँ, गंदगी, कीचड़, गोबर, बिस्टा तक फेंक करते थे। सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी कर दी गई साड़ी बदल लेती। अपने पद पर चलते रहने की प्रेरणा बहुत अच्छे से देती। विद्यालय की स्थापना की बात करें तो 3 जनवरी 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ उन्होंने महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। एक वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फूले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। तत्कालीन सरकार ने उन्हें सम्मानित भी किया एक महिला प्रिंसिपल के लिए। सन 1848 में महिला विद्यालय यानी कि बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी। सावित्रीबाई फूले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ीं बल्कि दूसरी लड़कियों के पढ़ने का काफ़ी बंदोबस्त किया। निधन की अगर बात करें तो इनका निधन 10 मार्च 1897 को प्लेग के कारण इनका निधन हो गया। प्लेग महामारी में सावित्रीबाई प्लेग के मरीजों की सेवा करती थीं। एक प्लेग के छूत से प्रभावित बच्चे की सेवा करने के कारण इनको भी छूत लग गई और इसी कारण से इनकी मृत्यु हो गई। उस समय प्लेग की जो बीमारी थी वो छुआछूत से फैल जाती थी, इसी कारण इनकी जो है डेथ हो गई। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए।